पुलिस को मिली बड़ी सफलता। दो अवैध असलाह तस्करों को इटावा पुलिस ने किया गिरफ्तार, जिनके कब्जे से 13 तमंचा, 315 बोर, 10 जिंदा कारतूस, 12 बोर, 5 जिंदा कारतूस, 1 मिस कारतूस, 1 खोखा कारतूस, 315 बोर पुलिस ने किया बरामद। 2 साल से सक्रिय था तस्करों का नेटवर्क। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा के निर्देशन में थाना बसरियार पुलिस को मुखबिर की सूचना के आधार पर मिली बड़ी सफलता। पकड़े गए तस्करों ने बताया है कि हम लोग असलों की तस्करी कर धन अर्जित करते थे। आपराधिक गतिविधियों की रोकथाम हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा दिए गए निर्देशों के क्रम में थाना बसरियार पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना के आधार पर मिली सफलता। कन्नौज के रहने वाले 2 तस्करों को इटावा पुलिस ने किया गिरफ्तार। 2 मुलजिम पकड़े गए हैं जनपद इटावा के बसरियार थाना अंतर्गत लोहिया पुल के पास, जो फरुखाबाद रोड जाता है। बस से 2 व्यक्ति उतरते हैं रात में 1:30 बजे के आसपास, 1:30 से 2 के बीच में, और बसरियार पुलिस और उसकी टीम जो है, प्रमोद यादव, विजन सिंह, महेश पाठक और उनकी पूरी टीम जो है लगी हुई थी। उनको मुखबिर से टिप ऑफ मिला था, सूचना मिली थी, जिसके आधार पर बस से निकलते ही 2 व्यक्तियों को उन्होंने पूछताछ किया। पूछताछ में चला कि दिलसाद और शेरखान नाम के 2 व्यक्ति हैं। इनके पास 2 झोले थे, जिसमें से ये करीब 13 तमंचे पकड़े गए हैं, जिसमें 315 बोर के और 12 बोर के तमंचे हैं, तथा 17 कारतूस हैं, 1 खोखा है और 1 मिश कारतूस है, तथा 15 जिंदा कारतूस हैं बिल्कुल। और इस प्रकार से ये बड़ी रिकवरी आप देख रहे हैं कि तमाम तरह के असलहे आपके सामने बरामद हुए हैं, और मैंने डिस्प्ले भी किया है इनका। ये कन्नौज के रहने वाले हैं, छिबरा मऊ और तालग्राम थाना अंतर्गत, दोनों अलग अलग रहने वाले हैं। दोनों एक दूसरे के संपर्क में आए थे इसी उद्देश्य से कि ये असलहा बनाने की एक फैक्ट्री, इसमें एक उन्नन नाम का आदमी है जो कि बताया गया ऑलरेडी जेल में है, उससे ये असलहा बनवाते हैं, और असलहा बना करके ये भिंड से लेकर के मध्य प्रदेश, भिंड में और उत्तर प्रदेश के हमारे जो आसपास के इटावा जिले के जो आसपास के मैनपुरी है, औरैया है, आपका कानपुर देहात है, आपका जो है आगरा तक ये सप्लाई करते हैं। अब तक कम से कम ये 50 असलहे बेच चुके हैं, और आपके सामने आप देख सकते हैं कि 13 असलहे और इतने कारतूस की भारी बरामदगी हुई है। और इस प्रकार से ये एक बहुत बड़ा कार्य किया गया है बेचन सिंह सरोज उनकी टीम थानाध्यक्ष बसरेहर द्वारा। इस पर मैं 15,000 रुपये का इनाम भी इनको से प्रशिक्षित कर रहा हूँ।